गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा लेक्चर है प्लास्टिड्स के ऊपर, और ये हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से ही पढ़ाएंगे। मुझे लगा कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आप एनसीईआरटी में थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। प्लास्टिड को पढ़ते हैं। चलिए, प्लास्टिड्स क्या है? प्लास्टिड्स एक सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। बेसिकली यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम इनकी ओरिजिन पे जाते हैं ना, थोड़ा सा आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन अगर इनकी ओरिजिन पे जाते हैं तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन हुई थी या हुई है, वैसे ही इनकी भी हुई है। मतलब पहले ये एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल की तरह घूमते थे, मतलब बाहर इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर रहे थे, और देवर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, ठीक है। लेकिन इवोल्यूशनरी टाइम स्केल में, ठीक है, इनको बड़े ऑर्गेनिज्म ने इंगल्प कर लिया, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने इंगल्प कर लिया, ठीक है। और ये इसके अंदर गए, तो अंदर गए तो इनके बीच में समझौता हो गया। समझौता क्या हुआ कि भाई हम तुम्हारे लिए खाना बनाएंगे, हमको जगह दे दो, प्रोटेक्शन दे दो। समझ रहे हैं ना कि कोई और ना आके हमको निगल जाए, तुमसे बड़ा है तुमसे छोटा है जो भी हो प्रेडेटर, ठीक है। और यही जो है ऑर्गेनेल जो है बाद में प्लास्टिड्स के नाम से जाना गया। और प्लास्टिड्स जो है कई फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब कई टाइप के होते हैं इसमें, तो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जो फोटोसिंथेसिस का, प्रकाश संश्लेषण का। समझ रहे हैं कि नहीं? फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया था? इस प्रोसेस को बोला गया था इंडोसिम्बायोसिस। इंडोसिम्बायोसिस, समझ रहे हैं कि नहीं? ये थ्योरी हमको नहीं पढ़नी है। ये प्रोकैरियोट वैसे ही था जैसे बीजीए है आज के टाइम में ना, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल है। वैसे ही कभी किसी लाइफ में, बिलियन ईयर पहले में भी, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल की तरह प्लास्टिड भी एग्जिस्ट करता था। क्लियर है? ओके। इस वर्ड की ओरिजिन अगर हम देखें तो वर्ड का मीनिंग जो होता है, ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है मोल्डेड, ठीक है, मोल्डेड और फॉर्म्ड, मोल्डेड और फॉर्म्ड। समझ रहे हैं कि नहीं? आइए चलते हैं आगे, थोड़ा बढ़ते हैं इसमें। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल सेलर। देखिए, प्लांट सेल में पाए जाते हैं और इग्लिनोइड्स में पाए जाएंगे। सारे यूकैरियोटिक सेल में होंगे क्या? सारे में होंगे क्या? नहीं, एनिमल सेल में आपको नहीं मिलेगा। अगर भाई होता तो हम लोग भी खाना बना रहे होते अपना, काहे परेशान होने की जरूरत होती, ठीक है। सारी दुनिया खाने के पीछे परेशान है, तो डेफिनेटली उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एनिमल सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में होता है, यूग्लिनोइड्स में होता है। हम यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है। तो वहां पे क्या सिस्टम होता है? वहां पे दूसरा सिस्टम होता है, हमने पहले पढ़ाया हुआ है। आप जाके यहाँ पे लिंक में आपको दिख रहा होगा, आप जाके प्रोकैरियोटिक सेल के जो स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको मिलेगा कि उसको क्या बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जो मैंने बताया था कि वहाँ पे पिगमेंट्स होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है। बताइए, दे हैव सम स्पेसिफिक पिगमेंट विच इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे प्लास्टिड्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और स्पेसिफिक कलर भी देते हैं उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को, ठीक है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट यूजुअली जो है ना, ये ग्रीन कलर देता है। खैर, अलग अलग है, लेकिन हमको जो ग्रीन अपीयरेंस होता है वो क्लोरोफिल, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, उसी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें क्या है? क्लोरोफिल है और कैरेटिनोइड। तो इसका कलर थोड़ा सा जैसे कैरेट गाजर कलर होता है ना, तो इसको मिक्स कर दीजिए ग्रीन कलर में, ठीक है, तो उसका कलर थोड़ा सा लाइट होके आपको दिखेगा, धानी वाला कलर या जो भी, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट आ गया, क्रोमो का मतलब ही कलर होता है, क्रोमा, क्रोमासोम देखे हैं ना, तो क्रोमो, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है? एक कलर की लाइट। तो ये क्रोमा का मतलब क्या है? क्रोमो, क्रोमो का मतलब क्या है? कलर से, सीधी सी बात है। क्रोमो कहीं आए तो जैसे कहते हैं ना कि क्रोमोजेनिक, फोटोजेनिक में क्रोमोजेनिक मतलब डिफरेंट कलर के लिए अडाप्टेड है ये, ठीक है। इसमें बेसिकली कैरेटिनॉइड पिगमेंट होंगे, ठीक है, फैट सॉल्युबल होते हैं, याद रखना है।
कैरोटीन होगा, जैंथोफिल्स होंगे, ठीक है दोनों। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है कलरलेस, क्रोमो का मतलब कलर, ल्यूको का मतलब कलरलेस, ठीक है। तो ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, इसमें अलग अलग टाइप होते हैं और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनका फंक्शन फोटोसिंथेसिस में नहीं होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज में होता है। क्रोमोप्लास्ट का मेन फंक्शन जो होता है लेटर स्टेज में, जैसे फ्रूट होता है टमाटर का पकने के बाद लाल हो जाता है, आम होता है उसका कलर चेंज होता है, बहुत सारे फ्रूट के कलर चेंज होते हैं आफ्टर राइपनिंग, ठीक है। तो एक तो वो है, और दूसरा है कि ये फोटोसिंथेसिस में ना सपोर्ट करते हैं एक्सेसरी पिगमेंट की तरह, ठीक है। और इसमें हम पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फोटो ऑक्सीडेशन से क्लोरोफिल ए को। तो ल्यूकोप्लास्ट में एमाइलो, एमाइलम का मतलब स्टार्च होता है, तो एमाइलोप्लास्ट है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, स्टार्च को स्टोर करेगा, आलू एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं। इलायोप्लास्ट, इलायो का मतलब आपको देखेंगे तो ऑयल्स या फैटी एसिड टाइप से चीजें होती हैं, तो इसमें स्टोरेज किसका होगा, ऑयल या फैट का होगा। एल्यूरो, एल्यूरो हमने पढ़ा है, एल्यूरॉन लेयर जो सीड पड़े थे ना मोनोकॉट का सीड, तो इसके बाहर की जो सबसे ये सीड कोट के पास की एक लेयर होती है इसको बोलते हैं एल्यूरॉन लेयर, ये प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्टोर किसको कर रहा है, प्रोटीन को कर रहा है, क्लियर हुआ। ओके, अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी के ऊपर, मतलब क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं, हमको यही मेन पढ़ना है, और फोटोसिंथेसिस में इसी स्ट्रक्चर को हमको पढ़ना भी है ढंग से, क्लियर है कि नहीं। तो इसकी डिस्कवरी में देखिए दो तीन नाम है उसको ध्यान रखना है। सबसे पहला नाम है ह्यूगो वॉन मोल का 1837 में, इन्होंने क्या बोला था कि ये ग्रेन होता है क्लोरोफिल का, एक्चुअल में वर्ड दूसरा था, एक्चुअल में वर्ड जो यूज किया गया था क्लोरोफिल, यहाँ पे और कुछ ऐसे टीका लगा हुआ है, ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में होता है टीका टिक्की लगा रहता है, तो इसको क्लोरोफिल कॉर्नेन बोला था और इसका मीनिंग था ग्रेन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। फिर एंड्रियास फ्रेंच विलियम सिंपर ने इनको बोला कब, 1883 में, क्लोरोप्लास्टिड्स, क्या बोला, क्लोरोप्लास्टिड। और लेटर 1884 में जो टर्म एडॉप्ट किया क्लोरोप्लास्ट का, किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने। तो आपको अगर किसी बुक में नाम मिलेगा ना तो ये वाला नाम आपको मिलेगा, स्ट्रासबर्गर ने डिस्कवरी में, ठीक है। एंड वॉन सैक्स, जो जूलियस वॉन सैक्स थे ना, उन्होंने भी बोला था जो ग्लूकोज का स्टोरेज हो रहा है स्टार्च के फॉर्म में, वो कहाँ हो रहा है, एक स्पेशल बॉडी के अंदर हो रहा है, जिसको बाद में क्लोरोप्लास्ट बोला गया था। तो ध्यान रखिएगा ये क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी के रिगार्डिंग चीजें हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर के अगर हम ऊपर आते हैं क्लोरोप्लास्ट के, तो देखिए ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना वैसे ही। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल में आ जाएगा, समझ रहे कि नहीं, क्या, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो डबल मेम्ब्रेन का मतलब ये अंदर वाले की बात हम नहीं कर रहे, ये एक ये है इनर और एक ये है आउटर, मतलब इसको अगर बहुत सिंपल तरीके से बनाइए, 3D में दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये आउटर हो गया, ठीक है, ये आउटर हो गया और ये वाला जो हो गया इनर हो गया, ठीक है। इसके अंदर भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखता है, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके अंदर भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखता है, जिसकी यूनिट को क्या बोलते हैं, थाइला क्वायर। जैसे ये है, ये भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन कैसे है, ये ऐसे खाली फ्लैट स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसे है डबल, मतलब इसके बीच में ना आपको पाइप की तरह है, ये इसको अगर काटेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे टाइप से ये पाइप है, बस ये जाके जुड़ गई है ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, और इसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के स्टैक को ना ऐसे स्टैक बना रहता है, जैसे सिक्के को आप सजा दीजिए, एक के सिक्के को, दो के सिक्के को, दस के सिक्के को, तो ऐसे स्टैक बना हुआ है, ठीक है। इस स्टैक को क्या बोलते हैं, इस स्टैक को बोलते हैं ग्रेना, क्या बोलते हैं, ग्रेनम, एक स्टैक है तो इसको हम ग्रेनम बोल देंगे, ठीक है। और सारे स्टैक को अगर हम मिला देंगे, पूरे स्टैक को मिला के हम इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। तो ग्रेना प्लूरल हो गया, ग्रेनम सिंगुलर हो गया। और इसका इंडिविजुअल यूनिट क्या है, थाइला क्वायर्ड, क्या है ये दिख रहा है ना, ये क्या है, थाइला क्वायर्ड, क्लियर है कि नहीं। और ये देखिए पूरा स्टैक बना हुआ है ना सिक्के की तरह जो सजा हुआ है, तो इसको क्या बोल दिया, ग्रेनम। और अगर पूरे अंदर के स्टैक को कंसिडर कर लिया गया तो इसी को क्या बोल दे हैं, ग्रेना, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। और ये पूरा स्ट्रक्चर है कहाँ पड़ा हुआ,
अगर आपको हम बताएं तो ये स्ट्रक्चर कहाँ पड़ा हुआ है, इसको देखिए, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है ना, उसके अंदर सारे ऑर्गेनेल घूम रहे होते हैं, तो ये भी वैसे ही है। जो थाइलाकॉइड के स्टैक्स हैं, मतलब जो ग्रैना है या ग्रैनम्स हैं, वो कहाँ है, ये है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में ये मटेरियल है, जो बीच का स्पेस है जिसमें चीज़ें भरी पड़ी हैं, उसी में ये चीज़ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। देखिए ये है, अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डंडा हमने दिखाया है, ये वाला सिंगल डंडा, ठीक है। एक सेकेंड, कौन सा डंडा, ये वाला डंडा, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहा है किसको, थाइलाकॉइड्स को। जैसे यहाँ पे क्लियर है, ये देखिए, एक ग्रैना को, एक ग्रैनम को दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट कर रहा है, दिस वन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लैमली बोलते हैं, और स्ट्रोमा में है इसलिए स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। ये भी पार्ट किसका है, ये थाइलाकॉइड की ही मेम्ब्रेन है बाबा, कुछ और नहीं है, समझ रहे हैं ना। ये सिंगुलर मेम्ब्रेन है और ये कनेक्ट करता है अलग अलग ग्रैनम को, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो बता रहे थे पाइप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, बीच में इसके स्पेस होता है। जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस तब वहाँ बताएंगे किमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस जो होती है, जिसमें एटीपी प्रोड्यूस होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। ग्रेडियंट का क्रिएशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन होता है, और ल्यूमेन और उसके बाहर वाली मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा में, क्लियर है कि नहीं। ये देखिए लोकेशन सबसे ज़्यादा अगर नॉर्मली देखने को मिलेगा तो मीजोफिल सेल्स में इनका लोकेशन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पत्तियों में, जो लीफ होती है प्लांट की, पत्तियों में होता है। शेप इसका अलग अलग टाइप से होता है। शेप देखिए, सबसे कॉमन शेप ऐसे लेन शेप में भी होता है, लेकिन इसके अलावा और भी होते हैं। हमने पढ़ा है कहाँ पे, जब एल्गी हम पढ़े थे, या अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ेंगे, तो एल्गी में अलग अलग टाइप के हमको स्ट्रक्चर दिखे थे, ठीक है। स्पाइरल शेप भी दिखा था, हाँ, ऐसे गर्डल शेप भी दिखा था यूलोथ्रिक्स में, कॉलर शेप, गर्डल शेप होता है, रिबन लाइक हो गया, स्पाइरल हो गया, स्फेरिकल हो गया, डिस्क्वायर्ड हो गया, ओवल हो गया, अलग अलग टाइप के वहाँ पड़े थे। तो वो क्लोरोप्लास्ट का ही स्ट्रक्चर है, क्लियर है। साइज जो यूकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट है, वो वेरी कितना करता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर से लेके लेंथ इसकी, ये वाली दिस लेंथ, ये कितना है, 5 to 10 माइक्रोमीटर है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें हम, विड्थ की बात करें, तो ये लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर है, कितना, 2 से 4, ध्यान रखना है थोड़ा। और अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर केवल एक पाया जाता है, अगर क्लेमाइडो मोनास की बात करें तो उसमें केवल एक मिलेगा, बाकी अदर जो सेल्स होती हैं मीजोफिल की, उसमें 20 से 40 तक पर सेल में पाया जाएगा, मतलब एक सेल में 20 से 40 तक हो सकता है, या एक सेल में एक हो सकता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, फिक्स नहीं है कोई चीज़। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर हमने देख लिया है थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से फिगर उठाया है, आपको फ्लैट स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया, बीच में स्ट्रोमा हो गया। ये देखिए, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये क्या है, जो हम बताए थे, ये ग्रैनम का है, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रोमा लैमली वाला है, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, ये कनेक्ट कर रहा है जो, ठीक है। और ये पूरे अलग अलग, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सबको मिला के अगर हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ग्रैना हो जाएगा, यही मैं बता रहा था। ग्रैना इज सिंपली या प्लूरल वर्ड, ठीक है। और ये देखिए स्टार्च के ग्रैन्यूल्स हैं, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स, तो कहाँ स्टोर हो रहे हैं ये स्टार्च के ग्रैन्यूल, तो इसके अंदर दिख रहे हैं, और बाकी वैसे भी स्टोरेज ऑर्गेनेल की तरह अगर वो काम करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, एमाइलोप्लास्ट, ओके। लेकिन यहाँ पे ये स्टार्च के ग्रैन्यूल है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही है ना, तो फोटोसिंथेसिस में यहीं पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है, और यहीं ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होकर स्टार्च के फॉर्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। लिपिड या ऑयल के ड्रॉपलेट देखिए, ऑयल या फैट के ड्रॉपलेट भी मिलेंगे आपको। यहाँ पे राइबोसोम्स भी है, अब पढ़ेंगे राइबोसोम्स, यहाँ पे 70S टाइप का होता है। अभी हम शुरू में बता रहे थे इंडोसिम्बायोसिस और प्रोकैरियोट, तो ये प्रोकैरियोटिक नेचर होगा, तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70S टाइप का होता है, पता है। यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल भी होता है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ना छोटा सा डीएनए भी होगा, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नेचर है, तो ये डीएनए भी होगा यहाँ पे। और इसका नेचर क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड एंड सर्कुलर, ठीक है, जैसे प्रोकैरियोटिक का होता है, क्लियर है कि नहीं। इतना चीज क्लियर है कि नहीं, ओके। एक सिक्स इसको हम इरेज करते हैं थोड़ा, थोड़ा मैं आराम से बताता हूँ, आप लोगों को पता नहीं, इंटरेस्टिंग
थोड़ा और कैसे बनाया जाए भाई। देखिए हमारे पास बहुत सारा सिस्टम नहीं है, बहुत सारा हम वीडियो पे अभी नहीं आ रहे हैं और ना ही सिस्टम है हमारे पास, बहुत सारे अदर काम भी हैं, तो प्लीज़ डू नॉट माइंड, पढ़ने पे फोकस करिए बस। तो ये बता दिए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, आप एनसीईआरटी खोलेंगे आपको सब मिलेगा, ठीक है। इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, एक ये कैरेक्टर दिया हुआ है, क्या है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन, ठीक है। ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये थोड़ी सी लेस परमिएबल होती है, मतलब मेम्ब्रेन ऑब्वियस सी बात है क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना वो क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ये वाली मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, इसकी परमिएबिलिटी कंपेरेटिवली हाई है, किसके कंपेयर में, इनर के कंपेयर में, ठीक है। इनर की परमिएबिलिटी कंपेरेटिवली लो है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया जो हम बता रहे थे ग्रेना, ठीक है, तो ये वाले एरिया में या ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, लाइट रिएक्शन में क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, और इसमें बनता क्या है, इसमें एटीपी बनता है और रिड्यूसिंग पावर एनएडीपीएच बनेगा, पढ़ेंगे हम आप। इसी को बोलते हैं जेड स्कीम, इसी को बोलते हैं जेड स्कीम, या और क्या बोलते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं, हिल एंड बेंडाल ने डिस्कवर किया था, तो हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं, हिल एंड बेंडाल भी बोल सकते हैं। ये ग्रेना में होता है, तो ये ग्रेना, ये देखिए लाइट रिएक्शन होता है, ये यहाँ हम पढ़ेंगे नहीं डिटेल में, हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में। और ये जो स्ट्रोमा वाला पोर्शन है ना, इसमें क्या होता है, इसमें होता है डार्क रिएक्शन, क्या होता है, डार्क रिएक्शन, समझ रहे कि नहीं, एक सेकेंड यहीं लिख दे, ओके ये बढ़िया है, एक ही बार में हो गया। यहाँ पे होता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन का देखिए मतलब यही बता देते हैं, मीनिंग ये नहीं है कि ये अंधेरे में होता है, मतलब ये है कि ये डायरेक्टली लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन हो रहा है। तो ये आपका स्ट्रोमा हो गया और ये हो गया आपका ग्रेनम, ठीक है, दिस इज ग्रेना, और ये जो डार्क रिएक्शन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है, स्ट्रोमा में हो रहा है, तो इसको ध्यान रखना है बस, क्लियर है। और डार्क रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केल्विन साइकिल, क्यों, केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी मेल्विन केल्विन ने की थी, किसने की थी, मेल्विन केल्विन ने। और असली जो रिड्यूसिंग पावर यहाँ लाइट रिएक्शन में हमको एटीपी और ये मिला है ना, एटीपी प्लस एनएडीपीएच, ठीक है, यही यहाँ पे यूज होता है, और यूज होके कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, समझ में आया कहानी। स्ट्रोमा लैमेली का बता दिए, सिंपल सा है कि ये क्या करता है, कनेक्ट करने काम करता है, ठीक है। और लाइट रिएक्शन के हम डिटेल में जाएंगे जब, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे होता है क्या होता है, यहाँ पे पढ़ेंगे तो अननेसेसरी चीज़ें बहुत लेंदी हो जाएंगी। ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमेन इनर स्पेस है किसके बीच में, थाइलाकॉइड, जो मेम्ब्रेन है ना, ऐसे पाइप है ना ये थाइलाकॉइड का, ठीक है, तो इसके अंदर वाले स्पेस को क्या बोल रहे हैं, ल्यूमेन, मतलब ये आपका थाइलाकॉइड की डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये पाइप टाइप से दो स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो इसको जब काटेंगे ना, या इसको बाहर की मेम्ब्रेन कह रहे हैं, तो ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज ल्यूमेन, क्लियर है कि नहीं भाई, ओके ओके। डीएनए बता दिए, डीएनए क्या होता है, स्मॉल, छोटा सा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और सर्कुलर होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे बोलेगा कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर, तो यस करेक्ट, क्लोरोप्लास्ट में जो राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। और इसको अगर दो यूनिट इसकी क्या क्या होती हैं, 30S एंड 50S, पढ़े हैं ना, ओके राइबोसोम में पढ़ेंगे। और इसको अगर बहुत पहले की किताबों में लिखा रहता है किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, खाना बनता है, क्या बनता है, खाना, किचन में खाना बनता है ना, खाना बनने का क्या मतलब है भाई, फोटोसिंथेसिस, भोजन बन रहा है जिसको हम लोग भी खाते हैं, दे आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स ओनली, जहाँ पे क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट हो रहा है। तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्लियर है कहानी, क्लियर है कि नहीं, ओके। सो आज का टॉपिक खत्म होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है सेल ऑर्गेनेल में, लेकिन जितना चीज़ यहाँ बताया गया आप उसको ध्यान में रखेंगे तो आपका क्वेश्चन कोई मिस नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।